फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो इंजन के एक सिस्टम के बारे में था, जो था कूलिंग सिस्टम। वैसा ही सिस्टम एक और इंजन में यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम होता क्या है, आप सबने देखा होगा घर में कई मशीनें पड़ी हुई हैं, सिलाई मशीन है, कुछ समय पश्चात उसको ऑयलिंग की जाती है, उसको थोड़ा सा ऑयल दिया जाता है। उस ऑयल देने से जो मशीन है वो बिल्कुल स्मूथ चलती है, उसका साउंड भी कम होता है। तो वैसा ही ऑयलिंग, वैसी ही जो मूविंग पार्ट्स इंजन में है उनको लुब्रिकेशन की जाती है, उनको ऑयलिंग दी जाती है, उसको कहा जाता है लुब्रिकेशन सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है लुब्रिकेशन सिस्टम। आइए बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम की। लुब्रिकेशन सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। आप सभी जानते हैं कि कोई भी मेटल कितना भी आप उसको स्मूथ कर लें, उसको साफ कर लें, अगर दो मेटल पार्ट्स को हम आपस में एक दूसरे के ऊपर रगड़कर अगर उसको चलाएं, इस पार्ट को जब हम इस तरफ ऊपर वाले पार्ट को जब हम इस तरफ धकेलेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट है वो इसका प्रतिरोध करेगा, इसमें रुकावट पैदा करेगा। ये नीचे वाला पार्ट जो है वो इसको इस तरफ नहीं जाने देगा, उसको रोकेगा, धक्का लगे। लेकिन अगर हम इसके बीच में ऑयलिंग कर देते हैं, इसके बीच में ऑयल डाल देते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल इसके अंदर डाल देते हैं, तो जब हम इस पार्ट को धकेलेंगे तो इस पार्ट्स, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में एक ऑयल की फिल्म तैयार हो गई, एक ऑयल की परत तैयार हो गई, इसका कॉन्टेक्ट इसके साथ नहीं हुआ और ये इसके ऊपर आराम से स्लिप हो गया। यही काम लुब्रिकेशन सिस्टम में किया जाता है। दो पार्ट्स के बीच में ऑयल की एक फिल्म तैयार की, एक परत तैयार हो जाती है, जिसके कारण एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर स्लिप करता है। जैसे पैदल चल रहे कहीं पर स्लिप हो गए, स्लिप होते किस कारण से हैं, जब आप चल रहे हैं फ्रिक्शन के कारण चल रहे हैं, रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, गाड़ी का टायर जो चल रहा है, गाड़ी आगे मूव कर रही है, फ्रिक्शन के कारण मूव कर रही है, लेकिन टायर के ऊपर जहां से गाड़ी जा रही है वहां पे अगर ऑयल फेंक दिया, वहां पे अगर कीचड़ गिराया गया है या ऑयल फेंका गया रोड के ऊपर, तो जो गाड़ी के टायर वहां पे स्लिप करेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी के टायर और रोड के बीच में एक ऑयल की परत तैयार हो गई, उस ऑयल की परत के कारण जो उनके कॉन्टैक्ट है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो काम करता है। आइए अब बात करते हैं लुब्रिकेंट की। लुब्रिकेंट होता क्या है? लुब्रिकेंट उसे कहते हैं जिसके द्वारा लुब्रिकेशन की जाती है, जिसके द्वारा लुब्रिकेशन की जाती है उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। जिनके द्वारा लुब्रिकेशन की जाती है उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, थ्री टाइप्स। नंबर वन लिक्विड, नंबर टू सेमी सॉलिड, और नंबर थ्री सॉलिड। लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। लिक्विड का मतलब है तरल, जो तरल है, तरल यानी इंजन ऑयल, ऑयल के रूप में जो लुब्रिकेंटी यूज होता है, इंजन ऑयल जो इंजन के अंदर जो लुब्रिकेशन ऑयल डाला जाता है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसे लिक्विड लुब्रिकेंट कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड के रूप में ग्रीस,
ग्रीस यूज की जाती है, ग्रीस जो है वो बैरिंग्स को दी जाती है, ग्रीस वो आती है आपकी सेमी सॉलिड में। और तीसरा आता है सॉलिड में, सॉलिड में आपका ग्रेफाइट, माइका, माइका पाउडर तथा सोपस्टोन। ये सारे सॉलिड हैं। ये सॉलिड जो लुब्रिकेशन है, ये हैवी जगह के ऊपर जहां पे अत्यधिक वजन रहता है वहां पे इनका प्रयोग किया जाता है। ये तीन प्रकार के लुब्रिकेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स जिनके द्वारा लुब्रिकेशन की जाती है, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। लिक्विड में इंजन ऑयल यूज होता है। आइए अब बात करते हैं पर्पज, लुब्रिकेंट के उद्देश्य, मेन पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट नंबर वन, लुब्रिकेंट का सबसे पहला उद्देश्य फ्रिक्शन को कम करना, फ्रिक्शन को कम करता है जिसके कारण क्या होता है, पार्ट्स घिसते नहीं। सबसे पहला काम लुब्रिकेंट का फ्रिक्शन कम करना, फ्रिक्शन कम होगी तो पार्ट्स आसानी से मूव करेंगे। दूसरा काम नंबर टू, कूलिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट जो लुब्रिकेंट है वो कूलिंग एजेंट के तौर के ऊपर काम करता है। इंजन के अंदर लुब्रिकेंट सभी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है, जो पार्ट्स हीट होते हैं, गर्म हो रहे हैं पार्ट्स, तो उनकी गर्मी को अपने साथ एब्जॉर्ब करके फिर से नीचे सम्प में ले आता है। कूलिंग एजेंट का काम भी करता है, पार्ट्स को गर्म नहीं होने देता। नंबर थ्री, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट सफाई का काम करता है। सफाई का काम जब इस पूरे सिस्टम में सर्कुलेट हो रहा है तो पार्ट्स जब मूव कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन जो भी हो रही है, अगर वो पार्ट्स घिस रहे हैं, वो कहीं से टूट रहे हैं, तो इस लुब्रिकेशन ऑयल के साथ वो नीचे आ जाता है और पार्ट्स की सफाई कर देता है। नंबर फोर, साउंड प्रूफ। दो पार्ट्सों के बीच में जब घिसावट होती है, एक आवाज होती है, साउंड होगा, तो उस साउंड को कम करता है या खत्म करता है। नंबर फाइव, सीलिंग एजेंट, सीलिंग एजेंट के तौर के ऊपर काम करता है। किसी जगह के ऊपर थोड़ी सी लीकेज अगर कहीं पे हो सकती है, तो वहां पे जब इसकी परत जम जाएगी, परत इसकी जब जलाएगी, इसकी एक फिल्म जब तैयार हो जाएगी, तो वहां से किसी भी गैस वहां से लीक नहीं हो सकती। नंबर सिक्स, कार्बन को जमा नहीं होने देता, कार्बन जमा नहीं होगा, जहां पे इंजन ऑयल की परत है उसके ऊपर कार्बन जमा नहीं होगी, इंजन ऑयल उसको नहीं जमने देगा। नंबर सेवन, पार्ट्स इसको जंग नहीं लगने देता, जहां पे इंजन ऑयल लगा हुआ है वहां पे पार्ट्स इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। आइए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। ये उद्देश्य थे, अब इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं लुब्रिकेंट के, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स, नंबर वन, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तरल के बहाव में आए प्रतिरोध को
विस्कोसिटी कहते हैं, लिक्विड, तरल, जितना गाढ़ा होगा उतने उसके बहाव में, जैसे ये एक स्लोप है, यहां से आप दही फेंक दो और यहीं से आप दूध फेंक दो, यहां से यहां तक कौन सबसे पहले पहुंचेगा? दूध। क्यों? क्योंकि ये पतला है, दही गाढ़ा है, तो जितना गाढ़ा होगा उतनी विस्कोस, उसके बहाव में रुकावट पैदा हो रही है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। बहाव में जो प्रतिरोध आता है, जितना गाढ़ा होगा उतना विस्कोसिटी उसकी ज्यादा रहेगी और जितना पतला होगा उतनी विस्कोसिटी उसकी कम रहेगी। नंबर टू, अलनेस, अलनेस तेलियता, चिकना चिपचिपापन, उसको इसकी तेलियता कहते हैं। जैसे परत, जब ये लुब्रिकेशन ऑयल पार्सिस की लुब्रिकेशन करेगा तो जितनी तेलियता, जितना चिकना ये रहेगा उतनी चिकनाहट ये पार्सिस के ऊपर फैलाएगा और पार्ट्स उतनी ही इसके ऊपर स्लिप करेंगे, अच्छी प्रकार से मूवमेंट करेंगे। नंबर थ्री, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, लुब्रिकेंट का वह तापक्रम जिस पर वह भाप में समान उड़ने को हो, जब ये भाप के समान इतना गर्म हो जाए और इसके सामने माचिस की तीली जली हुई ले जाए तो ये एक शाइन मारता है, फ्लैशिंग करता है, उसको इसका फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, उस टेम्परेचर को इसका फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। नंबर फोर, फायर पॉइंट, वह पॉइंट, वह टेम्परेचर जिसके ऊपर लुब्रिकेंट जो है वो आग पकड़ ले, उसको फायर लग जाए, उसको आग लग जाए, उसे फायर पॉइंट कहते हैं। एमुलिफिकेशन नेक्स्ट आता है आपका, नंबर फाइव, एमुलिफिकेशन, एमुलिफिकेशन लुब्रिकेंट का वह गुण होता है कि वह पानी में मिक्स ना हो और पानी में घुलने का विरोध करे, उसको एमुलिफिकेशन कहते हैं। एमुलिफिकेशन पानी में घुलने का विरोध जो करता है उसे एमुलिफिकेशन कहते हैं। नंबर सिक्स, एसिडिटी, अम्लीयता, लुब्रिकेंट्स में अम्लीयता नहीं होनी चाहिए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। नंबर सेवन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी लुब्रिकेंट का वह गुण हो जो भार युक्त करके पानी मिलने पर नीचे तली में बिठा देती है। अगर लुब्रिकेंट के अंदर पानी गिर जाए तो वो पानी नीचे तले में बैठ जाता है, किस कारण? उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण, उसकी भार के कारण वो पानी जो है वो नीचे बैठ जाता है, इसको लाइट वेट कर देता है, उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। एडहेसिवनेस नंबर एट, एडहेसिवनेस स्नेह का वह गुण जिसके कारण वह सतह पर चिपकता है। एडहेसिवनेस जिसके कारण वह किसी सरफेस के ऊपर चिपकेगा उसे एडहेसिवनेस कहते हैं। नंबर नाइन, फिजिकल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी वह गुण जिसके कारण वह भौतिक रूप से एक समान बना रहे, इसमें कोई चेंजिंग ना आए किसी भी दबाव के कारण या किसी टेम्परेचर के कारण।
जो लुब्रिकेशन ऑयल है या लुब्रिकेंट है उसमें किसी प्रकार की तब्दीली ना आए, फिजिकल स्टेबिलिटी जैसा यूज किया गया वैसा ही वो हो। नेक्स्ट नंबर 10, केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी वह गुण जिसके कारण उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन कम से कम हो, जिससे धातुओं पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। केमिकल स्टेबिलिटी किसी भी पार्ट्स के ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन ना करे, उसे बोलते हैं केमिकल स्टेबिलिटी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर से आपके सामने होगा, जिसमें हम लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेशन सिस्टम कितने प्रकार के हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम के टाइप्स, इनके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो थैंक यू।